नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा कि ऑप्शन स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन स्पेसिफिक ऑप्शन स्कूल एस्टेब्लिश करने का सोचा, इसलिए क्योंकि हमारे मानना है कि ऑप्शंस, जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनकी जर्नी उतनी ही सीरियस है जैसे कि कोई डॉक्टर या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी होती है। तो उसमें बहुत सारा अटेंशन चाहिए होता है, उसको इतना ध्यान देना पड़ता है, उस सीरियसनेस से लेना पड़ता है इस स्टडी को और इस ट्रेडिंग को। तो पैसा तो बनेगा नहीं, नॉट ओनली यूट्यूब के लिए वीडियो सीरीज बनाई है, बट जो लोग ऑप्शंस के लिए बहुत सीरियस हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि हम लोगों ने पूरी जर्नी का रोड मैप बनाया है कि जिसमें लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री इंक्लूड है। लेवल वन में हमारा ये मानना है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो जाए, बाद में उसका आपको प्रॉफिटेबल जो सीरियस स्ट्रेटेजी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना आपको पता होना चाहिए, आपका सेटअप पता होना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। बाद में आपको जरूरत होती है गाइडेंस और सपोर्ट की। तो ये तीनों लेवल हमने डिजाइन किए उनके लिए कि जो लोग ऑप्शन में मास्टर हासिल करना चाहते हैं, इनकम बनाना चाहते हैं और वेल्थ बनाना चाहते हैं। तो इसका मैं वीडियो खत्म होने के टाइम पे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आज का टॉपिक जरा शांति से सजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक सीरियस टॉपिक है थोड़ा। इसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। अब धीरे 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 हम ऑप्शंस की तरह प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में बढ़ रहे हैं। आज का वीडियो का नाम क्या रखा है कि बेसिक, किसके लिए बेसिक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। ऑप्शंस का आपको एक सॉफ्ट आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिल गया है कि यहाँ पे कैश की तरह ट्रांजेक्शन नहीं होते, यहाँ पे फ्यूचर की तरह भी ट्रांजेक्शन नहीं होते, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप क्या करना चाहते हो। और आप ऑप्शंस क्यों यूज करोगे, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोअर कॉस्ट होती है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसलिए हर एक जगह पे ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है, इसलिए ये पॉपुलर होता है। यहाँ पे आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास राइट्स होगा, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तब आप कोई सा भी रोल डिसाइड कर सकते हो, जैसा मार्केट वैसा रोल। तो ऑप्शन मार्केट को चलाने के लिए ऑफ कोर्स कैश में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इमीडिएटली बायर और सेलर के साथ हो जाता है, फ्यूचर में भी बायर और सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट तो होना जरूरी हो ना, सामने सामने पार्टी तो होनी चाहिए, तो उसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पर ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और उसको मजा आएगी क्योंकि उसके दो टाइप्स हैं। तो पहले मैं आपको वीडियो 6 का थोड़ा याद करा देता हूं कि मैंने उसको आपको बोला था कि आपको ऑप्शंस मार्केट में क्या बनना है, बायर बनना है कि एक्सट्रीम बायर बनना है, सेलर बनना है कि एक्सट्रीम सेलर बनना है, लिटिल बिट ऑफ बायर बनना है, मोर सेलर बनना है। क्योंकि ऑप्शन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेज करते हो। रिस्क मैनेज क्यों करते हो, तो कि मार्केट का सेंटिमेंट उस तरह से चलता है, मार्केट बुलिश होगा या तो एक्सट्रीम बुलिश होगा, थोड़ा बुलिश होगा, कंपैरेटिवली एवरेज बुलिश होगा, या तो कई बार रेंज बाउंड भी होगा। तो इसके लिए ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ी ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एज ए टॉम एंड जेरी एक्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज है, जैसे ही आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आते हो तो आपको पूछा जाता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का, आपको आंसर देना पड़ता है कि ठीक है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्क मैनेजमेंट है, इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग्स में आ गए। पर अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो तो आपको करना क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने सिखाया कि आपको बनना क्या है, आपको बायर बनना है, सेलर बनना है, थोड़ा बायर बनना है, ज्यादा सेलर बनना है, थोड़ा सेलर बनना है, ज्यादा सेलर बनना है, क्या करना है। तो वो एक बार डिसाइड होने के बाद आपको पूछा जाएगा कि ठीक है आप ऑप्शन मार्केट में आए हो तो आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, आपको राइट टू बाय चाहिए या तो राइट टू सेल चाहिए। अब ऐसा क्यों, अचानक मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहां पे एक बहुत अच्छी तरह से दे देता हूं, सिंपल तरीके से, कि ये जो मार्केट है वो कैश मार्केट नहीं है, स्पॉट मार्केट नहीं है। ये उसका एक टाइम फ्रेम होगा कि एक महीने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के लिए वैलिड होगा, सीजनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको वो एक्सपायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको कुछ एक्टिविटी करनी होगी, राइट, कि भाई अब आप डिसीजन लो। जैसे फ्यूचर में ऑब्लिगेशन था कि भाई आपको ट्रांजेक्शन सेटल करना पड़ेगा, जैसे वो कॉफी शॉप वाला एग्जाम्पल याद है ना, कि जिसमें 10 रुपए का कूपन दिया था, 99 रुपीज की कॉफी आपको चाहिए थी। तो मतलब आपके पास एक राइट था, वो राइट था बाय करने का, कि एक महीने के अंदर आप कभी भी आके यहाँ पे कॉफी पी सकते हो और ये कूपन के लिए आपने 10 रुपए अपने पॉकेट से पे कर दिए थे। अब कॉफी की प्राइस हर दिन चेंज होती रहती है,
ठीक है, और आपका जो कूपन है उसकी प्राइस फिक्स रहेगी, बट आपके पास ये राइट था। अब वो आप पे डिपेंड था कि आप ये राइट एक्सरसाइज करो कि नहीं करो, या तो ऐसे भी जाने दो। तो ऑप्शन मार्केट में दो तरीके के राइट होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए पूछा जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है। आप बोलोगे कि मुझे राइट टू बाई चाहिए, जैसे ही वो एक्सपायरी पीरियड खत्म होता है तो मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे आप बाय करने दो, मेरा हक है बाय करने का, मुझे ऐसी चीज चाहिए। या तो आप ऐसा सोचो कि नहीं, उस टाइम पे मुझे आप कुछ सेल करने दो, मेरा हक है सेल करने का। क्योंकि जैसे कि आप सुगर केन की फार्मिंग करते हो, राइट टू बाय, राइट टू सेल, आप कुछ भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है क्यों ऐसा करोगे। जैसे हम इंट्राडे में कैश में कई बार शॉर्ट करते हैं, कई बार बाय करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है यहाँ पे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि आप अपना हक खरीद रहे हो, कि हाँ मुझे ऐसा राइट चाहिए कि जहां पे मैं बाय कर सकूं, और मुझे या तो ऐसा राइट चाहिए जहां पे मैं सेल कर सकूं। अब ये दोनों चीज है वो मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, कि मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप उस तरह से राइट बाय करोगे, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप सेल वाला राइट पे फोकस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तो उसको भी आगे थोड़ा अच्छी तरह से मैनेज करना है, और अच्छे ऑप्शन आएंगे इसमें, देखते हैं। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिसाइड करना है कि आपको एज ए टॉम एक करना है कि जेरी एक करना है, ठीक है, और वो कौन सी चीज पे बेस होगा, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आप क्या कर रहे हो। अब थोड़ा और आगे चले जाते हैं, जो राइट टू बाय है उसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन, और जो राइट टू सेल है उसको बोला जाता है पुट ऑप्शन, ठीक है। इसको थोड़ा टेक्निकल बनाने के लिए, ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बहुत फेमस है, उसको बोला जाता है कि कॉल ऑप्शन या तो पुट ऑप्शन। तो उससे पता चल जाता है, कोई बोले कि भाई आई एम होल्डिंग अ कॉल ऑप्शन, मतलब उसके पास हक है कुछ बाय करने का। कोई बोले आई एम होल्डिंग अ पुट ऑप्शन, तो उसके पास कुछ हक है कुछ सेल करने का। मैं ऐसा बोलता हूँ, आई एम होल्डिंग अ कॉल ऑप्शन फॉर माई फादर्स प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने मेरे फादर की प्रॉपर्टी का मेरे पास कॉल ऑप्शन है कि मैं कभी भी जाके उसको बाय कर सकता हूँ पर्टिकुलर प्राइस पे, समझ रहे हो। या तो मैं ऐसा बोला कि आई एम होल्डिंग अ पुट ऑप्शन फॉर माई फादर्स प्रॉपर्टी, मतलब मैं कभी भी जाके वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्राइस में सेल कर सकता हूँ। देखो, समझ में आ गया, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लिया, आपके पास कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो लेट से कि एक साल का एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसमें बता दिया कि भाई मेरा सन कभी भी आए तो ये प्रॉपर्टी वो बाय कर सकता है 20 लाख रुपए में, तो आई एम होल्डिंग एन ऑप्शन, समझ रहे हो। या तो मेरे पास सेलिंग का राइट हो कि आई कैन सेल द प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। तो दोनों तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो मैं बाय करूं या तो मैं सेल करूं। तो अगर मुझे ऐसा राइट चाहिए कि जहां पे मैं बाय कर सकूं, अगर मुझे ऐसा राइट चाहिए जहां पे सेल कर सकूं, प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। फैमिली में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए अगर पेरेंट्स ने बहुत स्मार्ट ट्रिक सोच ली, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी है किसके नाम करनी है, कौन इसका बाय कर सकेगा, कौन इसको सेल कर सकेगा, तो बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने डिजाइन कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आके सेल कर देगा प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं चलेगा। पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान किसी को सेलिंग का राइट दिया जाएगा, किसी को बाइंग का राइट दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा मैनेज होता है। जैसे कमोडिटी मार्केट में जाओगे तो कॉल ऑप्शन फॉर सुगर केन, पुट ऑप्शन फॉर सुगर केन, कॉल ऑप्शन फॉर सुगर, पुट ऑप्शन फॉर सुगर, कॉल ऑप्शन फॉर कॉफी, पुट ऑप्शन फॉर कॉफी, कॉल ऑप्शन फॉर क्रूड ऑयल, पुट ऑप्शन फॉर क्रूड ऑयल। मतलब कोई टाइम फ्रेम एक्सपायर होने के टाइम पे आपको आपके पास ऑप्शन रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑप्शन, के आपके पास कौन सा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, मतलब आपके पास राइट है बाय करने का। आपके पास कौन सा ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, मतलब आपके पास सेल करने का राइट है, क्योंकि मार्केट है उसमें बायर और सेलर दोनों चाहिए, अकेले बायर से तो चलने वाला नहीं है। तो ऑप्शंस की दुनिया में ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है दो चीज में, और वो डिवीजन होता है राइट्स के बेस पे।
कि भाई ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम पे आपके पास हक होगा, और अगर आप मना भी कर सकते हो एज अ बायर कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, जैसे कॉफी शॉप का था, नहीं करना है मुझे कुछ नहीं, एक्सेस 10 रुपए भले गए मेरे पॉकेट से, मुझे 99 की कॉफी नहीं पीनी है, जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं, समझ रहे हो? तो ये हो गया कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। अब थोड़ा इसमें से आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑफ कॉल एंड पुट। तो एज ए बायर, अब हमको रोल, आगे रोल समझाया था ना वीडियो 6 में, मैंने रोल क्यों समझाया था उसका भी पता चलेगा। मैंने क्या बोला था, ऑप्शंस की दुनिया में पॉसिबिलिटी बहुत है, आप बायर बन सकते हो, सेलर बन सकते हो, बायर सेलर एक साथ भी बन सकते हो, थोड़े बायर बन सकते हो, ज्यादा सेलर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट। तो अब यहाँ पे काम आएगा, एज ए बायर के नजरिए से ऑप्शंस को देखो, अगर आप ऑप्शन होल्डर हो मतलब बायर हो, तो यू हैव अ राइट टू बाय समथिंग, आपके पास हक है, बट यू आर नॉट ऑब्लाइज, ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर की तरह कोई गला पकड़ने नहीं आएगा कि भाई ये तूने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो अब तुझे बाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फ्यूचर में जाता, ऑप्शन में आया हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते भाई। बायर की नजर से पुट ऑप्शन में क्या होता है कि मैंने राइट टू सेल, मेरे पास, मैंने पुट परचेस किया है मतलब मेरे पास राइट टू सेल है यू, बट स्टिल जब डेट आएगी मुझे सेल नहीं करना है, तो मुझे सेल नहीं, मेरी सुगर केन मुझे सेल नहीं करनी है, तो मेरी सुगर, मेरे को, मैंने सोयाबीन थे, जीरा था, एल्यूमिनियम था, मुझे सेल नहीं करना है, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाता है कई बार जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो इंट्राडे से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं, तो वो लोग ऐसा समझ नहीं सकते कि क्या सेलिंग के भी राइट परचेस किए जा सकते हैं, मतलब कॉल भी बाई करो पुट भी बाई करो, हाँ दोनों चीज हो सकती है, ऑप्शन की फ्लेक्सिबिलिटी तो यही है ना कि आप बहुमुखी हो, आप कभी भी कलर चेंज कर सकते हो, तो वो आपका जो फेस चेंज करने के लिए, आपका कलर चेंज करने के लिए, आप बहुमुखी होने के लिए आपको हर एक जगह पे यू टर्न की जरूरत पड़ेगी, तो आप तो क्या करोगे रिस्क मैनेज करने के लिए, या तो आपके पास बाइंग के राइट्स आपको चाहिए होंगे, या तो आपके पास सेलिंग के राइट चाहिए होंगे। आप सोचोगे मार्केट, मार्केट में क्या होने वाला है, तो आपको कई बार ऐसा होगा कि चलो बाइंग के राइट्स मुझे चाहिए कोई इवेंट पे, या तो सेलिंग के ऊपर मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये नजरिया है बायर का, अगर बायर का ये नजरिया है तो ऑप्शंस में सेलर क्या करेंगे, कोई भी मार्केट में बायर सेलर दोनों चाहिए। अब इसके उल्टा अपोजिट होगा, देखना, एज अ सेलर, सेलर को बोलते हैं ऑप्शन राइटर। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं थोड़ा चेंज करता हूँ समझने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था याद है, वही एग्जांपल रिपीट करते हैं कि आपको प्रीमियम पे करना है या तो लेना है, मतलब आपको पॉलिसी परचेस करनी है या तो इंश्योरेंस कंपनी बनना है। ऑप्शन की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है ऑप्शन की दुनिया, इंश्योरेंस कंपनी भी बनाओ या तो पॉलिसी भी परचेस करो जाओ। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं तो पॉलिसी परचेस कर रहा था एज ए बायर, मैं तो पॉलिसी परचेस कर रहा हूं, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल है। अब सेलर है वो क्या करेगा, राइटर, उसको राइटर बोला जाता है सेलर को, उसके थोड़ा आगे समझेंगे ऐसा क्यों, अभी सिंपल समझ लो, सेलर है वो राइट देगा, गिविंग द राइट टू बाय, दैट मींस एज ए सेलर यू आर ऑब्लाइज टू सेल, और पुट आपके लिए कैसे काम करेगा, गिविंग द राइट टू सेल यू आर ऑब्लाइज टू बाय। देखा दोनों चेंज हो गया, सेलर में ऑब्लिगेशन आ गया, इंश्योरेंस कंपनी है भाग के नहीं जा सकती भाई, बायर के लिए राइट है, बायर मुकर जाए तो चलेगा, सेलर मुकर जाए तो नहीं चलेगा, वरना तो दोनों में से एक पार्टी को तो कहीं पे कहीं कमिटमेंट देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो सेलर है इज नॉट, ही हैज टू ऑब्लाइज टू सेल एंड ही हैज टू ऑब्लाइज टू बाय, क्योंकि पता नहीं अगर बायर आए, बायर के पास ऑप्शन है, बायर आया ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है, तो सेलर में ऑब्लिगेशन तो चाहिए कि नहीं होगा, अगर आप दोनों लोगों को राइट्स प्रोवाइड करोगे तो ऑप्शन का मार्केट चलेगा कैसे, दोनों मुकर जाएंगे कि नहीं, ये तो क्या होगा, दोनों में से एक पार्टी के पास आपको ऑब्लिगेशन लेना ही पड़ेगा, तभी तो आप मार्केट को फंक्शन करवा सकोगे। तो सेलर होता है ना जो ऑप्शन का, उसके पास हमेशा ऑब्लिगेशन रहता है, अब वो डिपेंड कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। सो एज ए सेलर
आप किसी को बाइंग का राइट दोगे, एज ए सेलर आप किसी को सेल का राइट दोगे, तो इसका और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन, अभी सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायर रिसीव्स द राइट टू बाय, ठीक है, वो तो हमको समझ रहे, बायर रिसीव्स द राइट टू बाय, अब उसका आगे का नहीं पढ़ना है, थोड़ा अभी तक यही पढ़ते हैं। और पुट ऑप्शन में क्या लिखा है, बायर रिसीव्स द राइट टू सेल, तो ये तो क्लियर था। तो अगर मैं एज अ बायर हूं और मेरा हक है बाई करने का, तो सामने किसी को वो हक देना पड़ेगा ना, और यहां पे मेरा हक है सेल करने का, तो सामने किसी को बाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बाई के हक में जा रहा हूं, तो जब मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, तो सामने कोई सेल तो करेगा मेरे को, वो कौन करेगा, सेल, सेलर। और यहाँ पे मैं कुछ मेरा कोई राइट है सेल करने का, तो जब मैं सेल करने आऊंगा, तो मार्केट में कोई बायर तो चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में बायर होता है, उसके पास राइट होता है, वो राइट कुछ भी हो सकता है। एज ए बायर मेरे पास राइट बाई का भी हो सकता है, एज ए बायर मेरे पास राइट सेल का भी हो सकता है। सामने एज ए सेलर मेरा ऑब्लिगेशन या तो सेल का रहेगा कोई, या तो मेरा ऑब्लिगेशन रहेगा कोई प्रॉपर्टी, कोई कोई चीज को बाय करने का, ठीक है। तो एज ए बायर मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, चाहे मैं हक खरीद रहा हूं कि कोई चीज बाय करने का, चाहे मैं हक खरीद रहा हूं कोई चीज सेल करने का, मुझे दोनों टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सामने सेलर को प्रीमियम री मिलेगा, सेलर के इंश्योरेंस कंपनी की इनकम क्या होती है, प्रीमियम, उसी तरह से। अब थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल चीज है कि ऑप्शन की दुनिया में भी बायर और सेलर होते हैं, और ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करवाने के लिए या तो बायर को या तो सेलर को, दोनों में से किसी को तो ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा, तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन की दुनिया में ऑब्लिगेशन सेलर लोग लेंगे, जो ऑप्शन राइटर बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को राइट टू बाय चाहिए, हाँ मुझे कॉल ऑप्शन चाहिए, तो वो राइट टू बाय मतलब आज से 30 दिन बाद मैं अगर सुगर केन का प्रोडक्शन लेने जाता हूं और मेरे पास कॉल ऑप्शन है और मुझे, मैं खरीदना चाहता हूं सुगर केन, तो सामने कोई बेचने वाला तो चाहिए ना भैया, और मैं 30 दिन बाद मैं ट्रक भर के सुगर केन सेल करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पुट ऑप्शन है, मार्केट में आ रहा हूं, तो मेरे पास बायर तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो दोनों चीजों। तो इस तरह से ऑप्शन का मार्केट वर्क करता है कि कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मतलब हाँ मेरे पास हक है कोई चीज बाय करने का, मैं मार्केट में आऊंगा अपनी गाड़ी पार्क करूंगा और मैं अपनी जेब में से कॉल ऑप्शन निकालूंगा कि ये देखो मेरे पास राइट टू बाय है, तो आप मुकर नहीं सकते, देना पड़ेगा आपको। और वही गाड़ी पार्क करके मैं निकलूंगा कि देखो मेरे पास राइट टू सेल है, आप मुकर नहीं सकते। तो दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में सामने मुझे साइड सेलर चाहिए होगा, एक कंडीशन में मुझे सामने बायर चाहिए होगा, तो मैं हक तो बाय कोई भी चीज का कर सकता हूं, या तो मैं बाय करने का हक करूं या तो सेल करने का, दोनों केस में सामने वाले का रोल चेंज हो जाएगा, मेरा भी रोल चेंज होगा, दूसरे का भी रोल चेंज होगा। इसलिए ऑप्शन मार्केट फ्लेक्सिबल है, उसमें रिस्क मैनेज कोई भी रोल में से कर सकते हो। अभी ये समझ में आ गया है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बायर हूं तो मैं कॉल बाय करूंगा तो राइट टू बाय होगा, और मुझे राइट टू सेल करना है तो मैं पुट बाय करूंगा, राइट। उसके सामने सेलर के लिए क्या हुआ कि मैं अगर कॉल बाय कर रहा हूं तो सामने कोई सेल तो करने वाला कॉल चाहिए कि कोई सामने चाहिए कि मैं बाय कॉल करूंगा कैसे, जब कोई सेल कर रहा होगा कॉल, तो जो सेल कर रहा होगा वो हमेशा ऑब्लिगेशन में रहेगा, मैंने बोला ना सेलर हमेशा ऑब्लिगेशन में रहेंगे। अच्छा अब मैं यहाँ पे पुट बाय करने जा रहा हूं, तो सामने कोई सेल करने वाला भी चाहिए होगा, तो जो जो बंदा सेल कर रहा है वो सेलर हुआ और दो बंदे ऑब्लिगेशन होंगे, ठीक है, दोनों में ऑब्लिगेशन होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और इसलिए ऑप्शंस की दुनिया में सेलर होते हैं उनको राइटर कहा जाता है। वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, उन लोगों को मार्जिन भी ज्यादा जमा करवाना पड़ता है और बायर को बहुत कम करवाना पड़ता है मार्जिन जमा, ठीक है। पर अभी मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरह दौड़ना चाहता हूं, ये क्रॉस होगा ऐसा कनेक्शन, देखना ये दोनों का कलर देखो, ये दोनों का कलर देखो। ऑप्शन की दुनिया में आप बहुमुखी हो सकते हो, मैं आपको अभी
यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, विच रोल और रोल्स यू वांट टू प्ले, हाउ मच यू रिस्क यू वांट टू टेक एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर रिस्क। इसके एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो कि आप बोल रहे हो कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, मार्केट है क्या करने वाला है, बुलिश जाने वाला है। इफ यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश, तो आप क्या करोगे? अब इंट्राडे वगैरह करते हैं तो आप क्या करोगे? बाय कर लोगे, और क्या, और तो कुछ कर। और जिसको लगे मार्केट बेरिश जाने वाला, सेल करेगा। ऑप्शन की दुनिया में आपके पास एक एक और पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर मार्केट अप जा रहा है तो दो पॉसिबिलिटी, मार्केट डाउन जा रहा है तो भी दो पॉसिबिलिटी। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश, अगर आपको मार्केट लग रहा है तो बुलिश है, तो फिर से ये चार्ट में आओ। अगर मार्केट बुलिश है तो आप ट्राई करोगे कि बाय करो, कॉल है वो बाय करोगे। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पुट को सेल कर दो। ठीक है, समझो आप लोग कि सीधा क्रॉस कनेक्शन हुआ। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन की दुनिया में आप मुखड़े चेंज कर सकते हो। तो ये एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप जाने वाला है, तब तो आप बोलोगे ना कि चलो अगले वीक में, अगले वीक तक मार्केट 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कॉल बाय करोगे, लेट्स से कि अगले वीक की एक्सपायरी के लिए। तो आपको लग रहा है कि तब तक 100 पॉइंट बढ़ जाएंगे, तो आपने कॉल बाय किया। ठीक है, या तो आप किसी के लिए पुट सेल भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीज में कॉमन है, एक में राइट टू बाय है, एक में ऑब्लिगेशन टू बाय है, समझ रहे हो। तो आप मार्केट में जो बुलिशनेस हो रहा है उसका फायदा ऑप्शन की दुनिया आपको एज ए बायर भी देगी, आपको एज ए सेलर भी देगी। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश जाने वाला है तो आपको राइट टू सेल चाहिए होगा, राइट, मतलब आप पुट बाय करोगे कि मार्केट नीचे गिरने वाला है मैं तो पुट बाय करूंगा, या तो आप कॉल सेल कर दो। तो यहाँ पे राइट टू सेल है तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू सेल है, सेल सेल मैच हो रहा है, बाय बाय मैच हो रहा है, तो मार्केट बुलिश जा रहा है। फिर से मैं दोहराता हूं, आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगा, दो ऑप्शन, एज ए बायर कॉल बाय कर लो, एज ए सेलर पुट सेल करो। मार्केट बेरिश जाने वाला है, एज ए बायर पुट बाय करो, या तो एज ए सेलर कॉल सेल करो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब तक तो इंट्राडे फ्यूचर में तो ऐसा कभी हमने सुना नहीं था, और शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ये ऐसा होगा, शायद थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, क्योंकि ऑप्शन की दुनिया में अलाउड है कि आप पॉलिसी परचेस करो या तो इंश्योरेंस कंपनी भी बन जाओ, आपका फायदा जहां दिखे ऐसा आप करने लगो। तो थोड़ा यहाँ पे लोगों को कई बार कंफ्यूजन इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे इस तरह के रिस्क मैनेज करने को मिलता है, इस तरह क्रॉस सेक्शन हुआ। आपको तो अगर मार्केट बुलिश है तो आपको तो एट द एंड ऑफ द डे चीजें बाय करनी है। अब आप किस तरह से बाय करोगे, क्या आपको सिर्फ हक चाहिए या तो ऑब्लिगेशन चाहिए? अगर आप ऐसे सेलर वर्क करोगे तो क्या होगा कि आपको कंपलसरी एक्सपायरी होगी, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गुजरे जाए हो तो आपको वो चीज बाय करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, आप मुकर नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट बुलिश जाएगा और मैं ऑप्शन को राइट करूंगा तो आप मुकर नहीं सकते। उसी तरह से आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा और आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो कॉल सेल करूंगा, तो आपके पास ऑब्लिगेशन है, इसलिए सेलर का रिस्क बढ़ जाता है, वो मुकर नहीं सकता, क्योंकि बायर कभी भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। बायर के हाथ में है मुकरना, वो सिर्फ राइट परचेस कर रहे हैं कि ठीक है मैंने आपको कूपन दे दिया, प्रीमियम दे दिया, अब मैं मुकर सकता हूं। इसलिए बायर के हाथ में हमेशा लॉस लिमिटेड रहता है, पर सेलर में अनलिमिटेड रह जाता है। पर एट द सेम टाइम ऑप्शन सेलर होते हैं, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने का बहुत बड़ा उनके पास स्कोप होता है। इसके लिए अगर कोई बंदा आपको मार्केट में मिले जो ऑप्शन सेलर हो, सक्सेसफुल है, तो वो बंदा का रिस्क मैनेजमेंट, उसका नॉलेज, उसका माइंड बहुत अच्छा होगा, तभी वो ऑप्शन राइटर होगा। वरना ज्यादातर केस में आपको ऑप्शन बायर ही मिलेंगे। तो ऑप्शन बायर मतलब क्या करते होंगे, बाय कॉल बाय पुट, बाय कॉल बाय पुट, बाय कॉल बाय पुट, ऐसा करेंगे। एग्जैक्टली ये क्या है बताएं, ये थोड़ा इंट्राडे जैसा ही है जो कैश सेगमेंट में करते हैं, उससे ज्यादा काफी सारे लोगों का दिमाग चलता ही नहीं है कि अच्छा मैं ये हर कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। कई बार एक बंदा ये हर एक कॉम्बिनेशन यूज कर लेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट, आप एक बात सोचो, मैंने आपको बताया था कि आप बायर हो कि एक्सट्रीम बायर हो,
या तो आप थोड़े बायर हो या ज्यादा सेलर हो, तो आप बोलोगे कि भाई मार्केट है ना अभी लिटल बिट बेरिश है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट है ना वो ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट नीचे जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, पर अपसाइड उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? तो आप क्या सोच रहे हो कि अपसाइड बहुत ज्यादा है पर नीचे ज्यादा है नहीं, तो आप सब चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करोगे, आप हैवी एग्रेसिवली कोई बात कॉल बाय करोगे, थोड़े पुट बाय कर लोगे आप क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे जाने वाला है, तो आप वहीं से भी प्रॉफिट कमाओगे, पर आप कॉल ज्यादा बाय करोगे और या तो आप ज्यादा पुट सेल कर दोगे। तो ये कॉम्बिनेशन, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब आपका दिमाग जैसे चले, अब उस तरह से कॉल पुट बाय कर सकते हो, सेल का हर एक का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इस तरीके से ही। इसके लिए ही ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके लिए तो ये चीज चलेगी कि क्या आप नॉर्मल बुलिश हो कि एक्सट्रीम बुलिश हो, क्या आप थोड़े बुलिश हो कि ज्यादा हो, क्या आप मॉडरेट बुलिश हो, क्या हो आप थोड़े बायर हो कि ज्यादा हो, आप एक्सट्रीम हो कि कम हो, ये कैसा बनेगा? बाय कॉल के पुट के कॉम्बिनेशन हिसाब से एग्रेसिवनेस आपका दिख जाएगा। मुझे किसी का बुक जानना और मुझे पता चले ओ ये बंदा इतने सारे कॉल होल्ड कर रहा है, उसके सामने पुट, मुझे पता चल जाएगा ना उसका सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको सब कुछ करने दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन अप्रोच द मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट का जैसा सेंटिमेंट है उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो एज ए बायर और सेलर रोल, और बाद में आप कॉल और पुट और कॉन्ट्रैक्ट टाइप को अप्रोच कर सकते हो कि मार्केट का सेंटिमेंट पता चल गया, अब आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है कॉल एंड पुट ऑप्शन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल चीज है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि मैं मार्केट में आया, मैंने मेरी अपनी गाड़ी पार्क की और मैं यहाँ पे देख लेते हैं अपने कि भाई मैंने गाड़ी पार्क की और मैंने अपने जेब में से एक निकाली एक चीज, वहां पे उन लिखा था कि भाई मेरे पास कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन मतलब आई हैव अ राइट टू बाय। ओके, मैं सुगर केन बाय करने के लिए आया हूँ, कहाँ है मेरा सेलर? सेलर होगा बेचारा, डिलीवर उसको करना ही पड़ेगा। और मैं गाड़ी पार्क की मार्केट में आया, मेरी जेब से मैंने निकाला, आई हैव अ राइट टू सेल, भाई मैं सुगर केन सेल कर सकता हूँ, कहाँ है मेरा बायर? बायर को बाहर निकलना ही पड़ेगा, चीज बाय करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो अब डिपेंड करता है कि मैं एज अ सेलर एक्ट करूं, मैं ओब्लाइज करूं, या सिर्फ मुझे राइट चाहिए। दोनों में अगेन रियलिटी में ऐसा ही होता है ना, जितना रिस्क लो उस तरह से प्रॉफिट आएगा। तो बायर हो तो सिर्फ प्रीमियम पे करके, छोटी अमाउंट सिर्फ कूपन बाय करके निकल सकते हो। सेलर हो तो, अगर सेलर हो तो ऑब्लिगेशन है भाई, अब बच नहीं सकते, पर उसके सामने प्रॉफिट भी इतना होगा। तो एक एक पॉसिबिलिटी ज्यादा ही, इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग में हमने सिर्फ इतना देखा होगा कि भाई बाय कर लो सेल कर लो। यहाँ पे क्या है कि भाई बाय करना है तो किस तरह से बाय करना है, एज ए बायर बाय करना है कि एज ए सेलर, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती है, राइट? कि डू यू वांट टू बिकम अ राइटर और डू यू वांट टू बिकम अ बायर, आर यू ऑप्शन सेलर और आर यू ऑप्शन बायर? आपको राइट चाहिए कोई चीज बाय करने का, या तो आपको राइट चाहिए कोई चीज सेल करने का, या तो आपको ऑब्लिगेशन देना है, ऑब्लिगेशन बाय करने का और सेल करने का, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका वर्ल्ड ऑफ कॉल एंड पुट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, कंफ्यूजन हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कोई चिंता की करने की कोई बात नहीं है। अब ये वीडियो एंड करते हैं हम। एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि लेवल 1 2 3 है, उसको एक्सेस कैसे करना है, अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ाना है। अगर आपको ऑप्शंस का नॉलेज बहुत अच्छी तरह से सीखना हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना हो, तो लेवल 1 tinyurl.com/options-level1 करोगे, छोटा सा फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर दोगे तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपको ऑप्शन का एक बहुत अच्छा वीडियो कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा। वो खत्म होने के बाद आप टेस्ट दे सकते हो और सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब आपका फाउंडेशन खत्म हो गया। बाद में लेवल 2 होगा, लेवल 2 में आप अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबल सीरियस कस्टमाइज स्ट्रेटेजी सीखोगे, उसको सेटअप करना है, उसका एडजस्टमेंट भी आपको दिया जाएगा। tinyurl.com/options-level2। और जैसे आप लेवल 2 में एंट्री करोगे, लेवल 3 में आपका गाइडेंस और सपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप एंड ईमेल एक्टिवेट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से हमने जर्नी डिजाइन की है, अब इसमें पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हो।
पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल की वेबसाइट ब्राउज कर सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ा मैं डिटेल में बोला तो आपको मजा आया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा, फीडबैक आप शेयर कर सकते हो, एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।